नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जो हम आज अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्पीच, और इसके मार्क आएंगे, ये भी 7 मार्क्स के आएंगे, और इसकी वर्ड लिमिट होगी वो है 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्द हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है स्पीच के लिए, तो वो टॉपिक पहले आपको लिखना है शीर्षक के रूप में। जैसे मैंने एक शीर्षक उठाया है, मोबाइल हैंडसेट्स टू स्टूडेंट्स, यानी मोबाइल हैंडसेट बच्चों के लिए। इसमें कई सारी चीज़ आ सकते हैं, उपयोगी है या अनुपयोगी है, या फिर इसके मोबाइल के उपयोग वगैरह भी, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। उसके बाद में आपको लिखना किस प्रकार से, आपको पहले तो हेडिंग डालनी होगी, उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको पहले सैल्यूटेशन में करना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यानी सभी को गुड मॉर्निंग। उसके बाद में आई लिखना है, ध्यान रखना कोमा लगाना है, आई लिखना कैपिटल लेटर में, आई लिख के कोमा लगाना है। फिर आपको अपना नाम लिखना, अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो क्वेश्चन का नाम लिखना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको अपना नाम लिखना है। फिर कोमा लगा के द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यानी क्लास 12 के स्टूडेंट ऑफ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपको लिखना है द स्टूडेंट ऑफ कौन सी क्लास को, क्लास के 12 के, जैसे 12 के स्टूडेंट। और उसके बाद में आपको लिखना है स्कूल का नाम, कोमा लगा के ऑफ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू, जगह का नाम। फिर उसके बाद में स्टैंड बिफोर यू, मैं आपके आगे खड़ा हूँ टू स्पीक, बोलने के लिए, ऑन करके ये दो डॉट लगाने, उसके बाद में आपको लिखना है। एंड जो भी आपको टॉपिक, जिस पर भी आपको स्पीच दी है लिखने के लिए, वो टॉपिक, जैसे मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन आपको लाइन, अगर आप लाइन छोड़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव दिखनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको लाइन छोड़ के लिखना है मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस, मोबाइल इज़ है वेरी, बहुत यूजफुल यानी उपयोगी डिवाइस, मोबाइल बहुत उपयोगी डिवाइस है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, संचार के उपयोग के लिए। स्टूडेंट्स कैन यूज़ मोबाइल फॉर इंटरनेट, स्टूडेंट कैन यूज़ कर सकते हैं उपयोग मोबाइल फॉर इंटरनेट, यानी विद्यार्थी इंटरनेट के लिए मोबाइल उपयोग कर सकते हैं। टू गेट वर्ल्ड वाइड न्यूज़, यानी विश्व भर की न्यूज़ पाने के लिए, समाचार सूचना पाने के लिए। स्टूडेंट कैन ऑल्सो स्टडी, यानी विद्यार्थी स्टडी भी कर सकते हैं थ्रू मोबाइल, मोबाइल से, यानी इसके यूज़ भी होगी, उपयोगी भी हो गए, बट लेकिन इट हैज़ सम नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो, लेकिन इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, यानी अच्छे प्रभाव तो हैं ही, लेकिन इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। और उसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है, और अच्छा यही रहेगा कि आप लाइन चेंज कर दो, यानी लाइन छोड़ के आप चेंज करो पैराग्राफ। इट्स रेज, इसकी किरणें कैन कॉज डिजीज, यानी इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। इट्स रेज कैन कॉज डिजीजेज, यानी इसकी तरंगों से बीमारियां होती हैं। स्टूडेंट्स यूजिंग, यानी विद्यार्थी उपयोग करते हुए मच मोबाइल फोन्स, यानी जो विद्यार्थी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन स्टडीज़, वो स्टडीज़ पर कंसनट्रेट, ध्यान नहीं दे सकते। उसके बाद में जो भी चीज़ हो, आपको कंक्लूजन पॉइंट तो देना ही होता है, तो आपको लाइन छोड़ के लिखना है दस इस प्रकार से, इट हैज़ बोथ, यानी इसके दोनों, बोथ यानी दोनों गुड अच्छे एंड बैड बुरे इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट, यानी इसके अच्छे इफेक्ट भी है, प्रभाव भी स्टूडेंट पर, और बैड इफेक्ट भी स्टूडेंट पर है। उसके बाद में आपको लाइन छोड़ के लिखना है थैंक यू। तो एक बार फिर से आप देख लेना, सबसे पहला है लिखना तो आपको हेडिंग लिखना है, टाइटल लिखना है, उसके बाद में गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लाइन छोड़ना है आई लिख के, कोमा लगा के आपका नाम, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो क्वेश्चन का नाम, फिर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कोमा ऑफ स्कूल का नाम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जगह का नाम जैसे चूरू, स्टैंड बिफोर यू मैं आपके आगे खड़ा हूँ, टू स्पीक ऑन जो भी टॉपिक है उस पर, उसके बाद में आपको लाइन छोड़ के जो भी टॉपिक है उस पर आपको लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।